नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। ये सीधे रुख करते हैं उत्तर प्रदेश में, और इस वक्त तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो विधानसभा से आप देख रहे हैं। यहां पर सतीश महाना को योगी आदित्यनाथ ले जा रहे हैं चेयर की तरफ, और सतीश महाना जो कि कानपुर से आते हैं, कई बार के विधायक रहे हैं और अब विधानसभा के वो अध्यक्ष बन रहे हैं। तो महाराजपुर सीट से सतीश महाना चुनाव लड़े थे और इस बार फिर बंपर जीत दर्ज की, उसके बाद अब यहां पर विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी को संभालते हुए योगी आदित्यनाथ उन्हें खुद चेयर तक लेकर आए। और तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं, अखिलेश यादव भी आपको नजर आ रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य नजर आ रहे हैं, तमाम दलों के जो लोग हैं वो साथ मिलकर यहां पहुंचे और अखिलेश यादव भी उन्हें बधाई शुभकामनाएं देते हुए, ब्रजेश पाठक दूसरे डिप्टी सीएम जो हैं वो भी उन्हें बधाई शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो तमाम दलों के नेता जो हैं इस वक्त आपको यहां पर नजर आ रहे हैं, और सतीश महाना यूपी विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको लखनऊ से लाइव दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें इस वक्त। और ये माना जा रहा था कि सतीश महाना को इस बार मंत्रालय नहीं मिला है तो कोई दूसरी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, ऐसे में यूपी विधानसभा के अध्यक्ष उन्हें बनाया गया है। कई बार के वो विधायक हैं, कानपुर में अच्छी खासी उनकी पैठ है, और अपना आसन ग्रहण करें कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। माननीय नेता, माननीय मुख्यमंत्री, तो लखनऊ से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, सतीश महाना विधानसभा के अध्यक्ष बनाए गए। और अब वापस बात करते हैं रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को लेकर, लेकिन योगी आदित्यनाथ के पास एक बार चलते हैं, वो कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं लखनऊ विधानसभा से। 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में सर्वानुमति से आपके चयन के लिए मैं पूरे सदन की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं और आपको बधाई देता हूं। ये बड़ा सुखद संयोग है कि आपसे पहले 17 महानुभावों ने